फाइनली गाइस हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए। ये जमुना जी का ब्रिज है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल वेंकीगढ़। और आज आए हैं हम लोग घूमने के लिए गंगा जी। प्रयागराज के बहुत ही मशहूर गंगा जी है और हर जगह ही फेमस है। तो आज अपने गुरु जी के साथ आया हूँ गंगा जी घूमने। और यहाँ का व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा है। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight, dripping light. गाइस आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, हवा भी चल रहा है ठंडा ठंडा, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा तो अब की लगा कि शायद अगली बार ऐसा लगा कि ठंडी बढ़ेगी नहीं, लेकिन ठंडी अपने समय से आ ही गया। और 25 को क्रिसमस भी है और क्रिसमस के दिन बहुत मज़ा आता है और घूमते हैं फिरते हैं मस्ती करते हैं। तो अभी सुबह से सर के साथ ही हैं, वीडियो प्लानिंग चल रही है, वीडियो में क्या करना, वीडियो क्या बनानी है क्या नहीं बनाना। और मेरे ऑसम फंडे टीम ऑसम फंडे चैनल का वीडियो बहुत जल्द शूट होने वाला है और संडे को शूट होगा। और वीडियो का नाम मैं बता देता हूँ, वीडियो बहुत ही फनी है, बहुत ही उसमें गाली भी है, बहुत ही मज़ा है। वीडियो का नाम होगा गड़ा खजाना, नाम ही से सुन के। तो उस पर मेहनत चल रही है, स्क्रिप्टिंग हो गई है, रिहर्सल भी हो गया है। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी भी पोस्ट की है, अगर आपको इंस्टा पे मेरे फॉलो करना हो तो मैसेज करना हो, इंस्टा पे बात करना हो तो मेरा इंस्टाग्राम है वेंकीगढ़, वेंकी स्पेस गौड़ है, तो आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। और सो गाइस अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ, ठंड बहुत लग रही है। अभी जा रहे सर के साथ कॉफ़ी पीने और कॉफ़ी का मज़ा लेने। अभी यहाँ पे कॉफ़ी की दुकान नहीं है तो किसी चाय की दुकान पे गया था कॉफ़ी पूछने के लिए कि कॉफ़ी कब मिल सकती है, तो कहने लगे कि कॉफ़ी नहीं है तो दूध में चीनी डाल के गर्म करके दे सकता हूँ। तो वहाँ पर मस्ती होने लगी, अरे नहीं इमरजेंसी के लिए रखना पड़ता है। हमने कहा इमरजेंसी के लिए आप रख लीजिए, और कभी भी कोई भी कलाकार आता है मांगने के लिए कॉफ़ी, हम सब कुछ चाय नहीं पीते, वैसे मैं भी नहीं पीता हूँ, तो कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो बहुत ही कम ही पीता हूँ, पसंद तो है कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी भी अच्छी लगती है। तो हर जगह नहीं मिलता, जहाँ पे चाय की दुकान होती है वहाँ नहीं मिलता, कॉफ़ी शॉपी में मिलता है। तो कभी कभी लगता है कि एक कॉफ़ी के पैकेट रख के चलूँ कि इमरजेंसी में काम आए, तो ऐसे ऐसा सीन होता है हम लोग के साथ। तो हम लोग की गाड़ी ऊपर खड़ी है, यहाँ से तो दिख नहीं रही है, पीछे स्कूटी दिख रही है। सो फाइनली गाइस हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी पीने और अभी बहुत ठंडी लग रही है, तो यहाँ पे कॉफ़ी की दुकान ही नहीं है कहीं, तो जाना ही पड़ेगा। और सुबह कर रहे थे पी के नहीं आया मैं कॉफ़ी मेरे गुरु जी बहुत मज़े लेते हैं तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। बहुत बढ़ गई है, मैं ज़्यादा कुछ पहना नहीं हूँ, अंदर सिर्फ एक इनर पहना हूँ, एक शर्ट पहना हूँ। तो अभी कॉफ़ी पीऊँगा, सूप पीऊँगा तो थोड़ा सा शरीर में हलचल होगी, गर्मी की हलचल होगी। क्या करूँ ऐसे ऐसे ब्लॉग बनाते समय मुझे कुछ अजीब सा साया दिया नैनी ब्रिज पे, तो देखिएगा आप।
ये गाइस देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। यहाँ ये मछली की दुकान है, यहाँ मछली मिलती है। ये नाला सुपाड़ा है इलाहाबाद का। Paint the skies only you. फाइनली कॉफी की दुकान में पहुंच चुके हैं। अब कॉफ़ी गर्मा गर्म पीने जा रहे हैं, ठंड बढ़ गई है। तभी कॉफ़ी पीने के बाद मिलते हैं आपसे।